कलंगुट, कंडोलियम या बागा में कहीं पे भी है। अप्रोक्सीमेटली एक महीना हो चुका है जहाँ पे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस बात करें तो इसकी पहले एमआरपी थी 4150। बस एक कॉल कर दो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस। विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, बहुत बढ़िया सर। इसकी एक बात जो मुझे आपने बताई थी वो मैं चाहता हूँ अपने सारे सब्सक्राइबर्स को भी आप बताओ। वो बेस्ट सेलिंग शॉप्स हैं आप बोल सकते हो, उनमें भी मिलेगा जी, उनमें ही आपको ये मिलेगा। यहाँ पे आओगे विजिट करोगे आपको बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारे ऑफर्स ऐसे मिलेंगे ना। आप क्या पीना पसंद करेंगे, एक बडवाइजर या एक पूरी जिन? 750 ml बम्पर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए हाफ भी है। फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्टार वाइन्स एंड काजू। आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार वाइन्स एंड काजू, टैटू का शॉप भी है उसके बाद साई ज्वेलर्स, और सबसे बढ़िया है ना वलंग का सुपरमार्केट जो कि 24/7 ओपन होता है, और वाघा बॉर्डर उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है स्टार वाइन्स जहाँ पे हम जा रहे हैं अभी। और अपने साथ स्टार वाइन्स के ओनर पवन भाई है। गुड आफ्टरनून, कैसे हो पवन भाई? बस बढ़िया, आप कैसे? बहुत बढ़िया। और पवन भाई से ना एक बात मुझे मतलब पर्सनली भी पूछनी है, क्योंकि इनके मतलब बहुत सारे वीडियोस देखते हो, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स के रिव्यू में मैंने पढ़े हैं कि यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छी डील मिलती है वापस, लाइक आपके पास हमेशा हर एक चीज़ स्टॉक में अवेलेबल होती है। ज़रूर, राइट। तो काजू क्यों है, मतलब स्टार वाइन्स एंड काजू? काजू देखिए, मेरा पर्टिकुलर साइड बिजनेस है काजू का भी है। ओके, ऑथेंटिक गोवन काजू। गोवन काजू, गोवन काजू, क्योंकि क्या होता है कई कई ज्यादा मिक्सचर्स होते हैं तो कस्टमर काफी सारे डिसअपॉइंट होते हैं, सो दे आर सर्चिंग फॉर कि उनको एक ऑथेंटिक काजू दिया जाए, सो दैट्स व्हाई। तो मैं वाइन के साथ साथ काजू का भी बिजनेस करता हूँ, जहाँ पे आपको 100% प्योरिटी ऑफ काजू, ऑथेंटिक गोवन काजू, ऑथेंटिक गोवन काजू जी। और रेट्स भी मतलब लाइक जो गोवा में चलते वही रेट हो, वही रेट है। तो आज हम आए यहाँ पे जिस काम के लिए, तो वो काम सबसे पहले करेंगे। तो एड्रेस दिया है मैंने वापस डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, तो यहाँ पे ज़रूर विजिट करिए। बट अभी हम देखेंगे सारे रेट्स और क्या क्या इनके पास वैरायटीज़ है, कौन सी लिकर्स अवेलेबल है IMFL में प्लस इंपोर्टेड में। तो कौन भाई क्या रेट्स चल रहे हैं अभी फिलहाल और कैसे मतलब? काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के हैं जो पहले से ही रेट जो सिमिलर थे वही चल रहे हैं, लेकिन अभी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में चेंजेस भी आए हैं रिसेंटली में। अगर हम बात किया जाए तो आज एक तकरीबन 2-3 हफ्ते हो चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली एक महीना हो चुका है जहाँ पे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के प्राइस थोड़े हाइप हुए हैं। ओके, बाय 10-20% 20% यस सर। ओके, और कुछ कम हुआ है क्या? नहीं, मतलब हाइप ही हुआ है? नहीं नहीं, हाइप ही हुए, कुछ कम नहीं हुए हैं, बिकॉज रिसेंटली आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं एक्सेल, तो उसकी वजह से काफ़ी सारी ब्रांड्स ने अपने थोड़ी MRP इंक्रीज कर दिया, बट नॉट सो मच ऑल्सो विद 10-20% 10-20%। हाँ, बट फिर भी मतलब मुझे लग रहा है कि बाकी जगह से तो सस्ता ही मिलेगा डेफिनेटली, वो 100%। अगर आप अदर स्टेट से कंपेयर करते हैं गोवा का प्राइस, तो गोवा हमेशा चीप था और हमेशा चीप ही रहेगा। शुरुआत किससे करते हैं, मतलब कौन से वाले देखेंगे? वी स्टार्ट विद IMFL इंडियन मैन्युफैक्चर लिकर्स के साथ। ओके, अब हम बात करेंगे IMF लिकर्स के बारे में। ओके, फर्स्ट वी टॉक अबाउट द ब्लेंडर्स प्राइस, ठीक है? इसका पहले प्राइस था 580 और अभी इसका न्यू प्राइस आया है 650। 650, हाँ जी। ओके, ब्लेंडर्स प्राइस रिजर्व, रिजर्व इसका पहला MRP था 675 और इसका अभी न्यू MRP आया है 800 rupees, हाँ जी। ओके, रॉयल स्टैक की बात करेंगे तो इसकी पहली MRP थी 300 और अभी इसकी MRP हो गई है 330 यस सर। रॉयल चैलेंज सेम MRP लाइक बिफोर ओनली 320 हाँ जी। IB इंपीरियल ब्रू जो इंक्रीज हुआ है MRP में, इसका पहला MRP था 270 और अभी है 300। मैकडोनल्ड स्टिल द सेम प्राइस 270 ओनली, ठीक है। रॉयल स्टैक बैरल जिसकी पहले अभी MRP है 330, लेकिन इसका न्यू अभी स्टॉक आने वाला है जिसका MRP होने वाला है 360 हाँ जी। ओके, तो अभी आपके पास पुराने इसमें मेरे पास अभी तक पुराना स्टॉक पड़ा हुआ है, right. लेकिन डेफिनेटली वंस वी गेट सोल्ड आउट ऑफ दिस द न्यू ऑलरेडी आई रिसीव द न्यू MRP व्हिच इज 360 हाँ जी। सिग्नेचर वही पुराना MRP है 580। ओके, पीटर स्कॉच जो एक मॉल विस्की है इसकी MRP है 610 स्टिल द सेम प्राइस रॉकफोर्ड स्टिल द सेम प्राइस ओनली आई एम गोना टॉक अबाउट ओवर हियर रॉकफोर्ड रिजर्व ठीक है इसकी MRP है 675 एंड रिसेंटली बिकॉज ऑफ दिवाली अभी जो न्यू ईयर आ रहा है उन्होंने स्पेशल ऑफर निकाला दैट यू आर गेटिंग अ वन ग्लास एज अ फ्री गिफ्ट यस मैं आपको दिखाना जरूर पसंद करूंगा लुक एट दिस तो ये है इट्स अ प्रॉपर स्कॉच ग्लास यस राइट रॉकफोर्ड क्लासिक सेम MRP 575 यस एंटीक्विटी स्टिल द सेम MRP 655 rupees हाँ जी। ओके, ऑक्समिंट में भी इंक्रीजमेंट हुआ है। ओके, ऑक्समिंट सिल्वर जिसकी पहले MRP थी 335 ये अभी हो गई है 360
360. हाँ जी. ओके. और ऑक्समेट गोल्ड जिसकी पहले एमआरपी थी 635, अभी इसकी न्यू एमआरपी है 665. हाँ. ओके. तो जैसे कि बहुत मतलब कुछ उसमें चेंज आया, मतलब थोड़े से लेके जैसे आपने बोला था कि 10-20% चेंज है, बट बाकी कुछ है सेम स्टॉक में, मतलब रेट जो है अभी भी सेम है जी. right. काफी सारी ब्रांड्स ने अभी तक चेंज नहीं किया है. हाँ. लेकिन प्रोबेबली चांसेस है कि कमिंग मंथ तक शायद वो भी चेंज हो जाए और न्यू एमआरपी से मार्केट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है. वो टोटली प्रेडिक्टेबल है, यानी जब स्टॉक रिसीव होगा तब पता चल जाएगा. मुझे बढ़ने के बाद भी बहुत कम लग रहा है, जैसे कि पुणे में अगर ब्लेंडर्स का पकड़ ले, ब्लेंडर्स में 1500 के आसपास जाएगा. जरूर जरूर. पुणे में इसकी एमआरपी अराउंड 1350 से 1400 रुपए, तो बढ़ने के बाद भी इट्स स्टिल द हाफ प्राइस. हाँ, लेकिन अगर ये गोवा में इंक्रीज हुए तो मैं आपको और एक नॉलेज देना जरूर समझता हूँ कि अगर ये गोवा में सबसे पहले प्राइसेस हाइप होते हैं, ठीक है, लेकिन टिल मार्च तक ऑल ओवर महाराष्ट्र भी प्राइसेस बढ़ने वाले हैं. तो बात पहले जैसे ही आके रुक जाती है कि जैसे गोवा सस्ता था वो फिर से सस्ता हो जाएगा. कुछ कुछ लोगों के लिए अभी लगेगा कुछ डिफरेंस के वजह से हम क्या स्टॉक लेके रहे, लेकिन विद इन 3 मंथ्स के अंदर महाराष्ट्र में भी प्राइस इंक्रीज होने वाला है अल्कोहल पे. तो बात पहले जैसे हो जाएगी कि गोवा फिर से सस्ता हो गया, महाराष्ट्र फिर से महंगा हो गया. महाराष्ट्र या ऑल ओवर इंडिया, कर्नाटका भी है, कर्नाटक भी हो गया, केरला है, सब 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 जगह प्राइसेस एक साथ बढ़ेंगे. क्योंकि जितने लोग महाराष्ट्र से आते हैं उससे ज्यादा मैं यहाँ पे TS, KL, मतलब के सारी गाड़ियाँ देख रहा हूँ. बिल्कुल, मतलब हर जगह से लोग आते हैं. तो जिधर से भी आप देख रहे हो वीडियो, क्योंकि अपने व्यूअर्स बहुत जगह से, तो ये रेट्स आपके यहाँ पे कंपेयर करोगे तो बहुत सस्ता है. हाँ, अगर आप बिटवीन कलंगुट, कंडोलियम या बागा में कहीं पे भी है, तो फ्रॉम 9 o'clock ऑनवर्ड्स सवेरे से रात को 11 बजे तक डिलीवरी सर्विसेज आल्सो अवेलेबल. हाँ जी, आप कहीं रिसॉर्ट में, होटल में, कहीं पे भी है. हाँ. अगर आप मेरी शॉप पे विजिट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ समथिंग, तो आप अगर मुझे फोन करके भी ऑर्डर दे गए तो यू विल गेट एन ऑर्डर एट योर प्लेस. अरे बहुत बढ़िया, तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, डायरेक्टली आपको आपके होटल में मिल जाएगा. मतलब इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको, मतलब अगर शॉप पे भी नहीं आना, होटल में बैठ के पीना है, तो बस एक कॉल करो. विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस. बहुत बढ़िया. अब ब्रांड का नाम लो, मिल जाएगा है कि नहीं? जरूर. और उसमें ये मतलब 12 इयर्स, 15 इयर्स, कितना ईयर बोल रहे हो आप, उतना मिल जाएगा, जो चाहिए आपको सब मिल जाएगा. अरे बहुत बढ़िया. एंड दीवार्स अनलिमिटेड एडिशन थी. ओके. ठीक है, व्हिच इज 25 इयर्स एजेड. 25 इयर्स एजेड, डबल एजेड है ये. डबल एजेड, डबल एजेड है. जो स्कॉच पीने के शौकीन है और जिन्हें ऑन द रॉक्स पीना बहुत पसंद है, दिस इज अ लिमिटेड एडिशन. द पर्सनल सिग्नेचर हैज वेल. ओके, दीवार्स सिग्नेचर, यस. This is 25 years ages, जिसकी MRP है 24,500 rupees. फिर हम बात करेंगे दीवार सेम, ये ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है जो 18 ईयर विंटेज है, एजेड है. एजेड, हाँ. इसकी MRP है 7,300. 7,300. ये भी लिमिटेड एडिशन है. अरे बहुत बढ़िया. तो लिमिटेड एडिशन में दो बॉटल्स है यहाँ पे जी, और सबका फेवरेट मतलब दी मैकगेलन, एवरीवन नोस अबाउट इट. ये एक इंटरनेशनल ब्रांड है. इससे एक्सप्लेनेशन और डिस्क्रिप्शन की कोई जरूरत नहीं है. बराबर. ये 10 इयर्स है जो सिंगल मॉल्ट है, 12 इयर्स है जो सिंगल मॉल्ट है, ठीक है. इसकी MRP है 10,200 रुपीज. 10,200 रुपीज जी. अरे बहुत बढ़िया. तो इसमें तो फिलहाल मैं जितना जानता हूँ इसमें चेंज नहीं आया, मतलब नहीं, इनमें कोई चेंज नहीं है. हाल फिलहाल जो इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स हैं उन पे कोई चेंजेस नहीं आया. राइट जी. मे बी इन फ्यूचर हो सकता है, हो सकता है कम, हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, जो भी हो. रेड लेबल ऑल टाइम इंडियंस की, सब इंडियंस की फेवरेट, जॉनी वॉकर रेड लेबल. इसकी MRP है 1750, स्टिल सेम लाइक बिफोर. सेम लाइक बिफोर, हाँ जी. बात करेंगे अगर ब्लैक लेबल जो 12 इयर्स एजेड है, इसकी पहले MRP थी 3150, जैसे सब जानते हैं. राइट, ठीक है. रिसेंटली में इसका प्राइस हाइप हुआ है और इसका न्यू MRP है 3350, 3350 रुपए. ठीक है. अगर हम डबल ब्लैक की बात करें तो इसकी पहले MRP थी 4150 जी, और इसका जो न्यू MRP है वो है 4400. हाँ, 4400 रुपए, थोड़ा हाइप हुआ है. फिर हम बात करते हैं गोल्ड लेबल की. गोल्ड लेबल बरो, इसकी पहले MRP थी 5200 रुपीज. 5200, इस पे कुछ ज्यादा इंक्रीमेंट आ गया है. ओके. इसका जो न्यू MRP है वो है 6300 रुपीज की. ऑलमोस्ट लाइक 1100 रुपए बढ़ गया. ऑलमोस्ट 1100 रुपए बढ़ गया है. फिर हम बात करते हैं हमारे इंडियन सिंगल मॉल्ट पे जो आती है, ठीक है, अमृत अमालगम. अमालगम, ठीक है. इसकी MRP है 2950. सेम लाइक बिफोर ओनली, इस पे कुछ इंक्रीमेंट नहीं. ओके. तो बट इसकी एक बात जो मुझे आपने बताई थी वो मैं चाहता हूँ अपने सारे सब्सक्राइबर्स को भी आप बताओ. हाँ, जो अगर मैं बात कर रहा था जैसे अमृत को, हाँ, इंडिया का अवार्ड मिल चुका है नंबर 1 सेलिंग सिंगल मॉल का नेशनल वाइज में. नेशनल जो इंडियन सिंगल मॉल्स है. ओके. वो है अमृत
फ्यूजन ओके ठीक है, ये अमरूद फ्यूजन है जिसे अवार्ड मिल चुका है नंबर वन सेलिंग इंडियन सिंगल मॉल्ट का, सिंगल मॉल्ट। इसकी एमआरपी है 3200 रुपीस, 3200 सेम लाइक बिफोर, सेम लाइक बिफोर। हाँ जी, पॉल जॉन जिसे इंडिया का सेकंड बेस्ट सेलिंग सिंगल मॉल्ट का अवार्ड मिल चुका है, राइट ठीक है, पॉल जॉन, इसकी एमआरपी है 3450 रुपीस। हाँ जी ओके। और अगर हम बात करें इंडियन सिंगल मॉल्ट जिसे थर्ड बेस्ट सेलिंग का अवार्ड मिल चुका है नेशनल वाइज में, वो है थ्री मंकी राइट, जो गोवा प्रोडक्शन, गोवा प्रोडक्शन है राइट। इसके इसकी एमआरपी है 1650, सिर्फ 1650 रुपए। और ये शायद से गिफ्ट पैक वाला है ना, ये गिफ्ट पैक वाला है। इन कंपनी ने आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट निकाला है जो है स्पेशल ग्लास जस्ट फॉर सिंगल मॉल्ट, लैंड लिमिट 12 इयर्स ठीक है। ये भी सिंगल मॉल्ट स्कॉच व्हिस्की है, इसकी एमआरपी है 4800 रुपीस। हाँ जी राइट। ग्लेनलिवेट में ही 15 ईयर सिंगल मॉल्ट व्हिस्की है ठीक है, जिसकी एमआरपी है 7500 रुपीस। अगेन इंटरनेशनल ब्रांड ग्लेनफिडिच 12 इयर्स, जिसे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है राइट। ये भी सिंगल मॉल्ट है, इसकी एमआरपी है 5200 रुपीस। फिर हम बात करते हैं कामत जो है इंडियन सिंगल मॉल्ट व्हिस्की, इसकी एमआरपी है 2999 रुपीस। शायद से थोड़ा कम हुआ है, शायद थोड़ा कम हुआ, जिसकी इसकी पहले एमआरपी थी 32 somewhere, अभी 2999 रुपीस। काफी सारे कस्टमर है जिसे बर्नड और स्मोकी टाइप की सिंगल मॉल्ट पसंद आता है जो एक काफी स्ट्रॉन्ग रेंज में जाती है राइट ठीक है, तो उनके लिए ये स्मोक है सबसे बेस्ट है ओके ठीक है। इसकी एमआरपी है 6100 रुपीस। 6100 हाँ जी राइट। तो एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं अभी बहुत शॉप घुमाऊ, जैसे आपको भी पता है कि मैं हमेशा गोवा में शॉप ढूंढते रहता हूँ, तो बट ये बेस्ट सेलिंग शॉप्स हैं आप बोल सकते हो, उनमें मिलेगा जी, उनमें ही आपको ये मिलेगा। प्लेन वॉयज की ठीक है, जो अगेन सिंगल मॉल्ट है, लेकिन ये ज्यादा करके यूज होता है एज अ मिक्सचर के लिए, मिक्सचर के लिए ओके। ये काफी ज्यादा लोगों को पता होगा ये ब्रांड के बारे में राइट। ये ज्यादा करके आप कॉकटेल्स वगैरह मिक्सचर के लिए ज्यादा यूज होता है, यूज होता है हाँ। अरे, इसकी एमआरपी है 6500 रुपीस की ओके। अभी हम शॉप के अंदर है, आप देख सकते हो यहाँ पे हम बस आपको सिलेक्टेड बॉटल दिखा रहे हैं ना, जरूर राइट, जो कि मोस्ट ट्रेंडिंग होते हैं या फिर लोगों को पता है जी राइट। बट यहाँ पे अगर आप आओगे यहाँ पे ऐसे मतलब ब्रांड्स आपको अवेलेबल मिलेंगे जो कि लाइक काफी अच्छे सेलिंग होते हैं, जो लीकर लवर्स है उनके लिए बिल्कुल, और काफी सस्ते प्राइस में, मतलब लाइक जो ओरिजिनल रेट से उसमें ही मिलेगा, ना कम ना ज्यादा राइट। तो आप देख सकते हो हाई वरी क्लासिक का बॉटल बहुत मतलब कम शॉप पे होता है, जैसे कि फास्ट सेलिंग शॉप्स होते हैं उन्हीं पे होता है बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको बड़ा बॉटल भी मिलेगा, मेकर्स डिलाइट है, बकार्डी के वाइट रम ब्लैक रम दोनों है जी, डॉबरमैन है, ये है गोवन प्रोडक्ट ओके, प्रीमियम विस्की है ओके। मैं अगर कंपेयर करने पे आऊं जैसे रॉयल स्टैग, मैकडोनल्ड, रॉयल चैलेंज, वो रेंज की ये विस्की है ओके, लेकिन ये मेड इन गोवा प्रोडक्ट, मेड इन गोवा, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट, यानी जो रॉयल स्टैग मैकडोनल्ड के लवर है ओके, उनको ये बहुत पसंद आएगी ओके। और इसका क्या रेट होता है? 320 रुपीस पूरे बंपर के लिए, 750 ml के लिए। एंड अपार्ट ऑफ दैट कंपनी आपको एक बंपर के साथ आपको एक ग्लास भी फ्री दे, ग्लास भी फ्री देगी, हाँ जी 320, जस्ट 320 रुपीस। अरे बहुत बढ़िया, देखो इसलिए मैं बोल रहा था कि शॉप के अंदर अगर आप यहाँ पे आओगे विजिट करोगे आपको बहुत सारे बॉटल्स और बहुत सारे ऑफर्स ऐसे मिलेंगे ना, जो आपको मतलब बहुत गिने चुने दुकानों पर, क्या होता है ये तो रेगुलर ब्रांड्स है जो हर कोई अपने अपने शहर में पीता ही है, एक रेगुलर बेसिस है राइट। गोवा इज अ मेन अल्कोहल हब, बराबर, जहाँ पे आप काफी सारी ब्रांड्स बहुत ही सस्ते प्राइस में ट्राई कर सकते हैं, जिसे वैरायटी ऑफ चॉइसेस चाहिए, जिसे एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, तो गोवा उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है। और ये शॉप में आपको सारी वैरायटी सब कुछ मिल जाएगा, फ्रॉम लोअर टू हायर, जो न्यू ब्रांड ट्राई करना पसंद करता है। सो यू हैव ओ हेनरी, बैकबेंचर्स, ओकेन ग्लो, जो सीग्राम, जो सेम लाइक ब्लेंडर्स वाइट कंपनी है, उनकी न्यू विस्की लॉन्च हुई है स्मोकी टाइप में, स्मोकी टाइप में हाँ जी। फिर आप पीटर एंड जॉन ट्राई कर सकते हैं ठीक है, आइलैंड स्कॉट है, तो ये ऐसी काफी सारी ब्रांड्स है, जैसे रोलेट है जो गोवा की सबसे प्रीमियम विस्की में काउंट होती है राइट ठीक है, रोलेट, मोगसूर है, जो अगर आप इसकी पैकेजिंग भी देखने और इसका बॉटल भी काफी बढ़िया, काफी यूनिक है, यानी अगर आप किसी को गिफ्ट भी देना चाहेंगे ना तो उन्हें बहुत पसंद आएगा, बहुत पसंद आएगा। और रेट भी काफी सस्ता है इसका, जस्ट फॉर 580 580 रुपीस में। मोगासन ये गोवन ब्रांड है, और मोगासन का मीनिंग प्यार है, यस दैट्स इट। तो 100 पाइपर नॉर्मल जो आती है 3 इयर्स ठीक है, ये आपको पड़ेगी 1450 में, 1450 रुपए में ओके।
ठीक है, इसकी पहले एमआरपी 1400 रुपए थी, 1400 रुपए, अभी 1450 रुपए हो गई है, राइट। फिर आता है 18 इयर्स, जो ब्लेंडेड माल्ट स्कॉच विस्की में आता है, 8 इयर्स ओल्डर है ये, इसकी एमआरपी है 1800 रुपीस में, ओके, ठीक है। और फिर आता है 100 पाइपर 12 इयर्स एजेड में, जिसकी एमआरपी है 2000 रुपीस में। ये दोनों अभी तक सेम एमआरपी है, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। अगर हम दूसरी बात करें ब्लैक डॉग, राइट, ठीक है, जिसकी एमआरपी है 1340, ये सेम ही है, सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, right। फिर हम बात करेंगे ब्लैक डॉग लिमिटेड एडिशन, जो 14 इयर्स एजेड निकाला उन्होंने, जरूर, इसकी एमआरपी है 4250 रुपीस की, 4250, हाँ जी। जेम्सन, जेम्सन, ठीक है, ये भी सबकी फेमस है आयरिश विस्की, हाँ जी, इसकी एमआरपी है 2500 रुपीस की, 2500, हाँ, मुझे लग रहा है ये 300 रुपए कम हुई है, ये 300 रुपए कम हुई है पहले से, दैट्स राइट, 2800 था, अभी अभी 2500 हो चुके। ब्लैक एंड व्हाइट ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, जिसकी एमआरपी है 1410, 1410 रुपए की, हाँ जी। विलियम लॉसन 1050, 1050, हाँ, ओल्ड डॉग जो गोवन विस्की है, ओके, ब्लेंडेड स्कॉच एजेड विस्की है, राइट, इसकी एमआरपी है सिर्फ 600 रुपए की, 600 रुपए, जिसे सिनेमन फ्लेवर की विस्की पसंद है, ओके, सिनेमन टेस्ट में, राइट, तो ये उनके लिए लॉग है। ग्लेनडॉग जो गोवा प्रोडक्शन है, ओके, तो ये स्कॉच ब्लेंडेड स्कॉच विस्की है, ओके, इसकी एमआरपी है 1650 रुपए, 1650। लैबराडोर जो है डबल कास्क, ओके, डबल कास्क ब्लेंडेड स्कॉच विस्की, 3 इयर्स एजेड, आप कह सकते हैं ये ब्लैक डॉग ब्लैक एंड व्हाइट उस रेंज की है, ठीक है, काफी प्रीमियम क्वालिटी में आ जाता है। इसकी एमआरपी है 1350, 1350 रुपए की, राइट। और इसका एक बॉटल, मतलब इस शेप में एक बॉटल आता है, लुइस 13 का, लुइस 13, दैट्स राइट, वो ब्रांडी है, वो 3.5 लाख रुपीस की है, 3.5 लाख का है, हाँ जी, लेकिन ये किसी को गिफ्ट देने के लिए हैज अ डिस्प्ले फॉर योरसेल्फ आल्सो, यू कैन कीप इट, काफी खूबसूरत बॉटल है, लेकिन उससे ज्यादा खूबसूरत और प्यारी ड्रिंक है, ड्रिंक है, राइट, तो बेस्ट बॉटल है। और मैं मतलब जिसको लुइस, मतलब देखो मैं अगर मैं सोचाऊंगा मेरे कलेक्शन में लुइस 13 चाहिए, बट 3 लाख तो मैं नहीं खर्चा करूंगा, क्योंकि मैं पीऊंगा नहीं और ना किसी को इतना पिलाऊंगा, तो मैं ये रख देता हूँ, ये बेस्ट है यार, मतलब थोड़े दिनों में आपको ये मेरे कलेक्शन में दिख जाएगा। गिलमोर 18, okay। काफी जन लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 18 इयर्स एजेड है, ओके, एक्चुअली में ये 18 इयर्स एजेड नहीं है, ये 18 अलग अलग बैरल की मिक्सचर करके एक ड्रिंक बनाई है उन्होंने, अच्छा, ठीक है, जिसकी एमआरपी है 1350, यस। फिर हम बात करेंगे टीचर्स हाईलैंड की, जिसकी एमआरपी है 1420, हाँ जी, 1420। फिर टीचर्स 50, जिसकी एमआरपी है 2000, हाँ जी। फिर आता है टीचर्स 12 इयर्स एजेड, जिसकी एमआरपी है 2730। अब आते हैं सबकी फेवरेट चिवास ऑल टाइम, ठीक है, ये 12 इयर्स एजेड है, जो मेरे पास अवेलेबल है वो है ओल्ड एमआरपी 3200, क्योंकि इसका न्यू स्टॉक मार्केट में आ चुका है और इसका न्यू एमआरपी है 3400 रुपीस, 3400 रुपीस, जल्दी से आके लेके जाओ, हाँ जी, कह सकते जल्दी से आके लेके जाओ, राइट, क्योंकि इस रेट में मिलना अभी बहुत बहुत मुश्किल है, बहुत, यानी कुछ सेलेक्टेड शॉप्स ही होंगे जिसके पास आगे होंगे, क्योंकि हम एक लार्ज अमाउंट ऑफ सम उठा लेते हैं कंपनी से, am I right? जब हमें पता चलता है कि दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस बना, तो हम एक लार्ज क्वांटिटी उठा के रख देते हैं, ताकि हम चाहते हैं हमारे कस्टमरों को पूरी तरह से एक सेटिस्फेक्शन मिले, चाहे वो प्राइस में हो, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे वो हर एक चीज में, ठीक है, इसके लिए। फिर हम बात करेंगे चिवास 18 इयर्स एजेड, जो काफी रेयर है, काफी सिलेक्टेड है, इसकी एमआरपी है 8500 रुपीस, 8500, हाँ जी, और जितना मुझे पता है कुछ शॉप्स पे 8900 है, 8900 है वो न्यू एमआरपी की बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जैक डेनियल्स, अगेन नो वन इंट्रोडक्शन की नहीं है, सबकी फेवरेट है हमारी, इसकी एमआरपी है 3200 रुपीस की, लेकिन इसका भी मार्केट में ऑलरेडी न्यू स्टॉक आ चुका है, जिसकी एमआरपी है 3450 रुपीस, 3450, हाँ जी, जो भी 250 रुपए से बढ़ने वाला, बट अपने पास है अभी भी स्टॉक में, हमारे पास है अभी भी, राइट। और यही नहीं, अगर आप ये लेते हैं तो आई हैव अ स्पेशल ऑफर जहाँ पे आपको 2 जैक डेनियल्स के प्रीमियम ग्लास हैज अ फ्री गिफ्ट दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं, अगर आप जैक डेनियल्स की कोई भी कलेक्शन लेते हैं, right, तो ये आपके लिए हैज अ फ्री गिफ्ट होगा, okay, जहां आप किसी को गिफ्ट करने के या खुद के पर्सनल कलेक्शन, आपको जैक डेनियल्स के 2 ग्लासेस फ्री मिलेंगे, लेकिन ये लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड ऑफर है, आप डिसअपॉइंट नहीं हो गया जब तक आप आए, right, और अगर मेरे पास नहीं रहा तो प्लीज डिसअपॉइंट नहीं होइएगा, राइट, ये बात भी सही है, मतलब कि देखो
जैसे मैं बोलता हूँ ना, जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है या जो शॉप मुझे अच्छा लगता है वही का वीडियो बना दो। कौन भाई बहुत जेन्युइनली रेट्स भी देते हैं और जेन्युइनली आपको जो भी है जेन्युइनली बोल देते हैं आप फ्रेंड, व्हिच इज रियली गुड। हाँ, वी स्टार्ट फ्रॉम पंपोरी जिन, ठीक है, जिसकी एम आर पी है 1750। हाँ जी, काफी सारी सेलिब्रिटियों के बीच में फेमस होकर एक प्रीमियम रेंज की विस्की है, प्रीमियम रेंज की जिन है जिसकी एम आर पी है 3500 रुपीज की। बात करेंगे ऑल टाइम फेवरेट सबकी, बॉम्बे सफायर, जिसका क्लासिक है 2000 रुपीस का, लेकिन अभी बॉम्बे सफायर में न्यू फ्लेवर आया है जो एक सिनेमन टर्मरिक और मैंडरिन फ्लेवर में है। ओके, जिसकी एमआरपी है 2200 रुपीस। 2200 रुपीस। हाँ ठीक है। फिर हम बात करेंगे हापू सर ड्राई जिन अगेन, हिमालयन प्रोडक्ट, ठीक है, जिसकी एमआरपी है 2200 रुपीस। 2200 रुपीस की, मतलब जो भी प्रीमियम है, मतलब फास्ट सेलिंग है, वो सारी अवेलेबल है। हाँ जी। If we talk about the Edinburgh gin, this is from Scotland. Okay. इसकी MRP है 4,500 rupees. 4,500. हाँ जी. Then we talk about the Samsara White. Okay. जिसकी MRP है 1850. 1850. Samsara Pink. Still the same MRP 1850. 1850. Samsara ने recently में 3 new flavors launch किए हैं gin में. Right. जो काफी rare है कि आपको एक gin में flavors मिलते हैं. लेकिन Samsara try to launch something new and which has become a very popular right now. इसमें 3 फ्लेवर्स है, एक है लेमन एल्डर फ्लावर्स, कॉफी एंड हेजलनट एंड ग्रे फ्रूट एंड रोज, जिसकी एमआरपी है तीनों की 2000 रुपीस। राइट, जितना मुझे पता है संजारा पिंक भी सबसे पहले इंडियन में वही लॉन्च किया था। वही लॉन्च किया था, राइट, दैट्स राइट। एंड देन वी टॉक अबाउट द स्ट्रेंजर एंड सन जिन, ठीक है, जिसकी एमआरपी है 1540। हाँ जी। Then we talk about the Beefeater London Dry Gin, जिसकी MRP है 2,200 रुपीस की। 2,200। हाँ जी। And if we talk about the Gordons, okay, इसकी MRP है 1,330। 1,330। हाँ जी। Okay। अब आप आते हैं Greater Than London Dry Gin again, जो Indian आजकल Indian लोगों में काफी famous हो चुका है, because इसका जो quality है that's way too good. Okay. इसकी MRP only 850. 850. हाँ जी। Okay. If we talk about the Goan gin. 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 वो एक है Hampshire, जो है सिर्फ 280 रुपीस में। 280 रुपीस। हाँ जी। इतना सस्ता है। 280 रुपीस में। And then we talk about the Blue Crystal, जिसकी MRP है 350 only. हाँ जी। एक बात है, पुणे में बडवाइजर आता है कुछ 230-240 का, यहाँ पे सिर्फ 100 रुपीस का। यहाँ पे 100 में आता है, प्लस ये जिन बॉटल आता है पूरा 750 ml सिर्फ 280 रुपीस में। इमेजिन कीजिए, आप क्या पीना पसंद करेंगे, एक बडवाइजर या एक पूरी जिन? पूरी जिन। देखिए, गोवा में हर एक टाइप के कस्टमर्स आते हैं, राइट, फ्रॉम रिच टू मिडिल क्लास टू लोअर क्लास। तो गोवा एक ऐसा हब है जहाँ पे हर एक क्लास का आदमी अपनी पसंदीदा ड्रिंक ट्राई कर सकता है विदाउट थिंकिंग अबाउट द पॉकेट, बिकॉज इट्स फ्रेंडली फॉर एवरीवन, राइट, वेरी ऑनेस्ट, एम आई राइट? राइट। अगर जो समझो, अगर 750 ml बम्पर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके लिए हाफ भी है और क्वार्टर भी है। क्वार्टर भी है। आज आप एग्जांपल देखने जाए तो मैकडोनल्ड का क्वार्टर यहाँ पे सिर्फ 65 रुपीस में है, विच इज नथिंग। लाइक एक पिज्जा भी खाने जाओगे 150 रुपए के ऊपर नीचे नहीं आएगा बिल्कुल। हाँ जी। ये का मास्टर, ठीक है, इसकी एमआरपी है 3,200 रुपीस। 200 रुपीस, राइट। बेलीस, जो आयरिश कॉफी लिकर है, इसकी पहले एमआरपी थी 2120, जो अब बढ़ के 2560 हो चुकी है। 2560 हो चुकी है। हाँ जी, राइट, ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन शॉट्स के बारे में, सिनेमन फ्लेवर में, तो फायरबॉल जिसकी एमआरपी है 950 ओनली। And if we talk about something unique, something very rare and something which is very hard to find right now, it's Absinthe. Who are the Absinthe lover, they will come to the Absinthe and they don't swap to anything else, okay? Right. जो है एक one and only product जो इसमें contain है 49% of alcohol. Okay. ठीक है. Either you should take it like a shot but in a very small quantity. Okay. ठीक है. या तो फिर इसका mixture जो आपको एक पीछे डिस्क्रिप्शन में बहुत ही क्लियर वे में आपको मेंशन किया गया है, इसकी एमआरपी है 4,850 रुपीस। 49% अल्कोहल। के बारे में बात करना है तो ओल्मो लेजेंड, जो फेस के शेप में जो एक काफी सेलेक्टिव आइटम है, राइट, ठीक है, इसकी एमआरपी है 525 रुपीस। 525 रुपीस, ठीक है। अगर हम क्लासिक रम लेने जाए, ओल्मो, ठीक है,
इसकी एम आर पी है सिर्फ 250 रुपीज। अगर आप कंपेयर करने जाए महाराष्ट्र से तो शायद 200 रुपए में आपको एक सिर्फ एक क्वार्टर आता है, क्वार्टर आता है राइट। और यहाँ आपको 250 में फुल बॉटल आएगा 750 ml का राइट। इंडिया की सबसे पॉपुलर रम जो है काबो, जो है कोको रम, गोवा की सबसे स्पेशल प्रोडक्ट है ये राइट। इसकी एम आर पी पहले आज से कुछ महीने पहले तक थी 675 और अभी इसकी न्यू एम आर पी है 825। हाँ जी अच्छा। And if you talk about something in international brand, तो Malibu Coco Rum again, जिसकी ये imported product है। Imported product है, right? इसकी MRP है 2050, 2050 रुपए। बहुत अच्छी information मिली, एक जगह पे आपको इतने सारे brands और काफी अच्छी deal मिल रही है और plus पुराने rates में आपको यहाँ पे liquor मिल रही है, तो जरूर visit करना। Exactly वाघा border जो hotel है, वतनजा सुपर मार्केट है उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट है। कलंगूट से आप जब कैंडल के अंदर जाते हो वही 100 मीटर पर राइट हैंड साइड पे है, जरूर विजिट करना। गूगल लोकेशन भी दे रहा हूँ और ये वीडियो ये पे खत्म होता है। डेट्स ऑल फॉर द डे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और एक बात, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए हो कमेंट करके जरूर बताना।